हमने ये कर लिया है कि रिएक्ट के अंदर हमने एक क्रड बना लिया मोंगोडीबी के साथ क्रड बना लिया और उसको हमने अटैच कर लिया हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, अब अगला काम हमने ये करना है कि ये जो क्रड हमने बनाया था इसके साथ साथ हमने, यहाँ पे नहीं आ रही, अभी ले आता हूँ। क्रड जो हमने ये बनाया था इसके साथ साथ हमने लॉगिन वाली एपीआई भी लिख ली थी और हमने जो प्लेन एचटीएमएल के ज़रिए लॉगिन कैसे होता है वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। और उसमें आपने काइंड ऑफ ऑथ गार्ड भी लगा लिया था कि जी अगर वो लॉगिन है तो उसको उस पेज पे ना जाने दो, इस तरह का आपने काम कर लिया था, लेकिन वो प्लेन एचटीएमएल की ऐप में आपने किया था। वही काम अब आपने क्या करना है, रिएक्ट की ऐप में करना है कि जी जो लॉगिन की एपीआई है उसको इंटीग्रेट करना है रिएक्ट के साथ और उस पर ऑथ गार्ड लगाना है। अच्छा, ये काम जो होता है ना उसके अंदर रिएक्ट के अंदर, ये होता है राउटिंग के ज़रिए, ठीक है। राउट्स उसके अंदर बनाए जाते हैं। अच्छा, होता क्या है एक्चुअली कि आपका जो पेज होता है ना, अगर मैं आपको मिसाल देके समझाऊं कि ये जैसे आपका पेज है, अभी जो B9 लिखा हुआ है ना, ये आपका हेडर है, ठीक है। यहाँ पे चार बटन लगे हुए हैं, तो जब चार बटन में से कोई एक बटन प्रेस करते हैं ना, तो नीचे का जो ये वाइट वाला हिस्सा है ये क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। कैसे रिप्लेस हो जाता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अंडर द हुड, सही है। मिसाल के तौर पे मैं क्या करूँ, इमेजिन करो कि HTML के अंदर मैं एक डिव बना दूँ, ठीक है, और बाई डिफ़ॉल्ट उस डिव को मैं खाली रखूँ, बाय डिफ़ॉल्ट में उस डिव को क्या रखूँ, खाली रखूँ, और चार अलग अलग वेरिएबल में मैं चार HTML लिख दूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि बटन वन पे क्लिक करूँ तो पहली HTML डाल दूँ उसमें, बटन टू पे क्लिक करूँ तो दूसरी HTML डाल दूँ, बटन थ्री पे क्लिक करूँ तो तीसरी HTML, और बटन फोर पे क्लिक करूँ तो चौथी HTML। तो असल में रिएक्ट अंडर द हुड यही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, नतीजा उसका क्या होता है कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता और बीच से बस वो कंटेंट आपका चेंज होता रहता है। अच्छा, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप किधर भी घूमते रहेंगे आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। इस वक्त जो हमारे पास फेसबुक है वो एक एग्जांपल है रियल सिंगल पेज एप्लीकेशन की, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स में से है, ठीक है। गूगल के जितनी प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर उसमें से सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जिसमें जीमेल शामिल है, जिसमें गूगल ड्राइव शामिल है, ठीक है। उसमें एक्चुअल में ऊपर वाला यूआरएल आपका कभी भी रिफ्रेश नहीं होता, चेंज ज़रूर होता है, यूआरएल चेंज ज़रूर होता है, लेकिन रिफ्रेश नहीं होता पेज, वो पहले से ही फ्रंट एंड के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, इसी तरीके से आपका जो यूट्यूब है वो भी किसी हद तक जो है वो सिंगल पेज है, ठीक है। किसी हद तक वहाँ पे चीज़ें सिंगल पेज के, आप youtube.com लिखते हैं और सामने आपके बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं, किसी एक पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो वीडियो तो प्ले हो जाती है, पूरा पेज चेंज हो जाता है, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अगर जीमेल पे जाऊं, अगर ठीक है ये जीमेल पे मैं चला गया, अब इसमें क्या होता है कि जी कोई ईमेल अगर मैं ओपन करता हूं, जैसे कि सही है, ये कोई प्राइसिंग के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है, अब मैं इस ईमेल को ओपन करता हूं अगर, तो आप देखें ये यूआरएल चेंज नहीं हुआ है मेरा ना, ये वाला बस इसका हिस्सा ना घूमा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बैक करूँ यहाँ से तो भी नहीं घूमेगा ये, ठीक है। मैं अपडेट्स में जाता हूँ या सोशल में जाता हूँ, ठीक है, सोशल में अभी एक आया हुआ है मेरे पास कि भाई फला फला कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, अब मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो आपने इस जगह पे नज़र रखनी है, यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं होगा। इसको मैं खोलता हूँ, देखो रिफ्रेश नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ हो रहा है पेज पे, सब कुछ दिख रहा है मुझे, सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। इवन मैं कंपोज का भी बटन दबाता हूँ तो पेज मेरा रिफ्रेश नहीं होता, किसी भी हाल में नहीं होता, ठीक है। अब ये चैट्स वगैरह में किधर भी चला जाऊँगा ये पेज रिफ्रेश नहीं होने देगा। ये उसका रीज़न क्या है कि ये पूरी की पूरी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अच्छा, सिंगल पेज एप्लीकेशन होने का मतलब ये नहीं कि रिएक्ट पे बनी हुई है, सिंगल पेज एप्लीकेशन एंगुलर पे भी बनती है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जो सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि फ्रेमवर्क पे ही बनाएं, प्लेन HTML के अंदर मैंने आपको बता दिया कि वो अप्रोच क्या है उसकी, तो वो तो प्लेन HTML में भी आप कर सकते हैं वो वाली अप्रोच कि आपने चार अलग अलग पेज बना के रख लिए, बटन क्लिक होता है आप एक पेज उठाते हैं दूसरे पेज के अंदर घुसा देते हैं, है ना, तो लिहाजा आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता। तो इस तरह से आप प्लेन HTML में भी चाहें तो सिंगल पेज एप्लीकेशन उधर भी बना सकते हैं। वेल, हम फ्रेमवर्क क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त फ्रेमवर्क्स की डिमांड है, जो बंदा रिएक्ट जानता है उसकी डिमांड है। जो बंदा बोलता है यार मैं प्लेन HTML के अंदर सब बना दूंगा, वो बोलेंगे नहीं यार आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं हाँ लाइब्रेरी है वही काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क ही है ये, सही है। फ्रेमवर्क में उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि रिएक्ट फ्रेमवर्क है या नहीं है, फ्रेमवर्क में उस सेंस में कह रहा हूँ कि जी एक तरीका है मार्केट का, ये है ना। फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक तरीका होता है, मिसाल के तौर पे इस बिल्डिंग को रन करने का एक फ्रेमवर्क रेडी है ना पहले से, किसी आप लोग आते हैं पहले अटेंडेंस वो लाल कलर की बत्ती है, ये किसी ना किसी ने सोचा होगा ना एक दफ़ा में, तो ये एक फ्रेमवर्क बन गया है। अब यहाँ पे कोई नई मैनेजमेंट आएगी, कोई नया बच्चा आएगा काउंटर पे, तो वो भी इसी को फॉलो करेगा, इसी फ्रेमवर्क को,
उस फ्रेमवर्क में, इस सेंस में कह रहा हूँ कि एक तरीका बना हुआ है मार्केट में, ठीक है कि जी आप मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला यार फला फला चीज़ है ये रिएक्ट पे बन जाती है, पहले बनाई हुई है हमने, वो बोलते हैं यार अभी दोबारा भी रिएक्ट पे बनाओ इसको, प्लेन एचटीएमएल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से ना मार्केट में फ्रेमवर्क के ऊपर काम हो रहा होता है, है ना, प्लेन एचटीएमएल के ऊपर ज़्यादातर लोग काम नहीं कर रहे होते हैं। वेल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो राउटिंग है ना, जो रिएक्ट की राउटिंग है, रिएक्ट का राउटर जो है, उसका एक सबसे पहले हम बेसिक हेलो वर्ल्ड बना लेते हैं। और बेसिक हेलो वर्ल्ड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस राउटर को इम्प्लीमेंट कर देंगे किसके अंदर, हमारी जो ऐप बनी हुई थी ना लॉगिन वाली, उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, हमारे पास जो मैं सोच रहा हूँ कि जो एक नई ऐप बना लें, क्या करें, इसी सर्च वाले में चलो बना लेते हैं, इसी सर्च वाली ऐप के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सिंपल ऐप है ना, इसका हेलो वर्ल्ड बना लेते हैं इसी सर्च वाली ऐप में। अच्छा, इसको मैं क्या कह देता हूँ, एट रिएक्ट राउटर, ठीक है। अच्छा, एट रिएक्ट राउटर बोलने के बाद मेरे पास सर्वर तो देखो वही बना हुआ है, ठीक है। सर्वर में मैंने कोई चेंजेस वैसे भी करने नहीं है, तो मैं आ जाऊँगा वेब में, और वेब में आने के बाद मैं किस में चला जाऊँगा, सोर्स में, और सोर्स में हमारे पास जो ये इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल है, ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस की जो फाइल है, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, तो ये राउटर का जो अभी हम हेलो वर्ल्ड छोटा सा करने जा रहे हैं वो टोटली रिएक्ट के ऊपर उसका काम है, उसका सर्वर से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है उसका। वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है जी। और रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर आके मैं गेटिंग स्टार्टेड करता हूँ, ठीक है जी, गेटिंग स्टार्टेड हो गया। ओके, ये तो फीचर्स बता रहे हैं, हमने तो गेटिंग स्टार्टेड करना है ना, हमने ये वाला करना है। अच्छा जी, ये यहाँ पे ना देखो हेलो वर्ल्ड, इसने पूरा यहाँ पे गाइड बताई हुई है कि जी आप क्या करो, npm से क्रिएट मारो एक ऐप, इसने वाइट के जरिए ऐप क्रिएट करना बताई हुई है, हमने जो क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए की है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कह रहा cd करके अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाओ और वहाँ जाके क्या करो, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम लोकल फोर्ज और मैच सॉर्टेड बाई, पता नहीं ये दो तीन लाइब्रेरी इसने इंस्टॉल करवाई है। अच्छा, ये दो तीन लाइब्रेरी क्यों इंस्टॉल करवाई है, क्योंकि शायद इसके अंदर ये कुछ और भी काम करवा रहा है साथ साथ, इसके अंदर ये कुछ और भी काम करवा रहा है साथ साथ, ठीक है। तो हम सिर्फ एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ये लोकल फोर्ज हम ये इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि वो है भी क्या, मैंने यूज़ नहीं किया ये वाली लाइब्रेरी ना। अच्छा, मैंने कहा कि जी cd करके जाओ 5 में रिएक्ट में, cd करके जाओ 8 और नॉट, ठीक है जी। मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, 8.react router, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, cd। अच्छा, यहाँ पे चलो इसको मैं रन कर देता हूँ सर्वर को, npm run dev करता हूँ, तो मेरा सर्वर क्या हो जाएगा, इससे रन हो जाएगा, ठीक है। मेरा सर्वर रन कर दिया, वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे सर्वर रन करने की, लेकिन मैंने कर दिया ताकि जब मेरा रिएक्ट का पेज ओपन हो ना, ये मैं वेब में गया और यहाँ पे मैंने npm स्टार्ट किया, तो जब मेरा पेज ओपन हो ना तो कुछ उस पर डेटा भी दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि मेरा पेज खाली दिखना शुरू हो जाए, है ना। अगर सर्वर रन नहीं करूँगा तो मेरा डेटा खाली दिखना शुरू हो जाएगा, अभी मेरा डेटा खाली नहीं दिख रहा है, मेरे पास कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, और मैंने क्या करना था, मैं ज़रा टर्मिनल को ना बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि टर्मिनल, अब मेरे पास तीसरा टर्मिनल मैंने खोलना है अब, ठीक है। तीसरा टर्मिनल खोलने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको मज़ीद स्प्लिट किया और मैंने कहा gsh, ठीक है। ये तीसरा टर्मिनल खोला है मैंने, जिसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, npm install react router dom, ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, वेब के फोल्डर के अंदर लिख रहा हूँ, यानी कि मेरी रिएक्ट के एप्लीकेशन के रूट पे लिख रहा हूँ, ठीक है। रिएक्ट राउटर मैंने इंस्टॉल मार दिया यहाँ पे। अच्छा, रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करने के बाद अब मैंने करना क्या है, आ जाते हैं ज़रा देख लेते हैं, ठीक है जी। इसने बोला कि भाई आपका जो होना चाहिए ना, जो पेज होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, main.jsx
और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए। लेकिन ये हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं वो, लेकिन हमें कॉन्फ़िगरेशन में फिर उसी तरह बताना होगा। अच्छा अब आ जाते हैं हम एडिंग राउटर। एडिंग राउटर के ऊपर क्या किया इसने, इसने किया ये इम्पोर्ट किया ये सारा आइटम, और ये इम्पोर्ट करने के बाद क्या किया, आ जाओ हम भी इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसने मेन डॉट जे एस एक्स में किया, हमारे केस में हमारी इस फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, ठीक है। ये ब्राउज़र राउटर और राउटर प्रोवाइडर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इसने इम्पोर्ट करवाई हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्ट करवाने के बाद क्या किया अब आगे, आ जाओ देखते जाते हैं। एक यहाँ पे ब्राउज़र राउटर क्रिएट किया है एक्चुअली, ठीक है। ब्राउज़र राउटर इसने क्या किया, क्रिएट किया। आओ अब यहाँ पे ये भी कर देते हैं, ये क्रिएट ब्राउज़र राउटर करके इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा फिर इसने क्या किया, फिर इसने यहाँ पे आके राउटर प्रोवाइडर लिखा, और राउटर प्रोवाइडर को जो है ना इसने ये पास कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है, स्ट्रिक मॉड के बीच में। अब स्ट्रिक मॉड के बीच में तो मेरी ऐप चलती थी, अब ये ऐप की जगह पे ये कह रहा है ये बात लिख दो, तो अब ये ऐप कहाँ जाएगी, अब ये क्वेश्चन है कि ये ऐप कहाँ लेके जाऊँ मैं इसको। तो इन्होंने ये काम किस तरह किया हुआ यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ ये चेंज वेंज किया इन्होंने। ये मुझे लग रहा है इन्होंने नेक्स्ट जेएस के हिसाब से तो नहीं बता दिया ये। यार ये क्या कर दिया इन्होंने, छोड़ो मैं अपने पुराने कोड में से देख लेता हूँ, ठीक है, वहाँ से देख के कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में पता नहीं क्या किया इन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन ना दिन ब दिन इनकी इसी तरह से होती जा रही है। तो मैं ज़रा बैच 8 में मैंने यही चीज़ ऑब्वियसली पढ़ाई है, तो मैं उसमें चला जाता हूँ, ठीक है। बैच 8 के अंदर जी ये आ गया रिएक्ट, और रिएक्ट के अंदर ठीक है जी राउटर, रिएक्ट राउटर डॉम, ये कौन सा राउटर था, ये ब्राउजर राउटर किया है ना हमने, कौन सा वाला किया हमने, भी तो ब्राउजर राउटर किया है। अच्छा यहाँ से हम सिंपल तरीके से करके देख लेते हैं, अगर ये वाला चल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है जी, ब्राउज़र राउटर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और ब्राउज़र राउटर को इस तरह से यहाँ पे एज अ प्रोवाइडर पास कर दिया, सही हो गया जी, ठीक हो गया, ये भी ज़बरदस्त हो गया। अब आ जाते हैं, बैक करते हैं, और ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर अब किस तरह से किया है, ये मेरे चार कंपोनेंट बने हुए, सही है, ये चार कंपोनेंट को मैंने यहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है। अच्छा यहाँ पर भी रिएक्ट राउटर डॉम से ये सारी चीज़ें मैंने उठा ली, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी चला जाता हूँ ऐप डॉट जे एस में, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से उठा ली हैं, ठीक है,
इसमें से ये सारे टूल्स उठा लिए मैंने, जैसे कि राउट और लिंक और नेविगेट, सही है, ये सारे मेरे पास एक टूल्स हैं, ये मैंने वहाँ से उठा लिए हैं। अच्छा, अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि मैंने ये बनाना है, जैसे अभी तो मैं डायरेक्ट होम को प्रिंट कर देता हूँ ना, अब मैं यहाँ पे जाहिर है डायरेक्ट होम प्रिंट नहीं करूँगा क्योंकि होम मेरा एक पेज होगा, अब मेरे और भी 4 पेज हो सकते हैं उसके अलावा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ज़रा एक अच्छे से एक फंक्शन बना देता हूँ, सही है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया इसको पूरा का पूरा। ओहो, क्या कर दिया इसने ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक अदद डिव बनाऊंगा एक्चुअली। अरे यार, इसको JSX करना पड़ेगा जब ये सजेशन देगा, JS करने से ना ये मसला करता है। अच्छा, मैंने कहा कि यार डिव एक बनाओ, और उस डिव के अंदर क्या कर दिया मैंने, उस यहाँ पे होम को रखवा दिया, ठीक है, डिव के अंदर होम को रखवा दिया। अब मैंने एक्चुअली करना क्या है, अब मैंने कुछ ऐसा करना है कि इस होम की जगह पे कुछ और भी यहाँ पे आ सके, ठीक है। उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम वालों ने बोला कि भाई ये कर दो आप, ठीक है, उन्होंने बोला भाई ऐसे कर दो। अब ये राउट्स है ना, और ये भी राउट्स हैं यहाँ पे। अब इसके दरमियान में जो है ना, देखो 4 लगा हुआ है ये, अब इन 4 में से कोई एक शो हो रहा होगा एक वक्त में, तो मैंने होम को कब शो कराना है, स्लैश के पाथ पे। मैंने कहा चलो स्लैश के पाथ पे यहाँ पे क्या आ गया, होम आ गया, और जब अबाउट होगा तो अबाउट आ जाएगा, जब गैलरी होगा तो यहाँ पे गैलरी आ जाएगा, और जब कुछ भी नहीं होगा इनमें से कोई तीसरी ही चीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, मैंने नेविगेट करवा दिया, मैंने कहा स्लैश पे नेविगेट कर जाओ, यानी URL में जो भी बंदे ने लिख दिया ना उल्टा सीधा उसको हटाओ और स्लैश लिख दो, ठीक है। यही होता है यूट्यूब में भी, आप कोई गलत URL देते हो घुमा के YouTube.com पे ले आता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने राउट बना दिया। अच्छा, अब क्या होगा, स्लैश के ऊपर होम आ रहा होगा, अच्छा, और अबाउट के ऊपर, अब अबाउट के नाम से तो मेरे पास कोई कंपोनेंट बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, सही, और उसमें अबाउट लिख देता हूँ ऐसे, सही है। फिलहाल मैंने एक डिव बना लिया और अबाउट लिख दिया, ताकि जब मैं स्लैश अबाउट लिखूँ तो ये वाला डिव मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा हो, राइट। अच्छा, अब मुझे जाहिर है जब यहाँ पे 4-5 पेजेस मैंने बना दिए, तो यहाँ पे मुझे एक नेविगेशन बार भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, नेविगेशन बार बना देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि जी सबसे पहला होम का बटन, उसके बाद अबाउट का बटन, ठीक है, बल्कि यहाँ पे बना हुआ होगा, यहीं से उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी एक नेविगेशन बार बना हुआ है, सही है, तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास नेविगेट, ओए क्या हुआ ये, ये क्या बकवास है, वेल तो ये जी मेरा नेविगेशन बार बन गया, ठीक है, इसको असल में फॉर्मेट करता हूँ तो वो उसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर देता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी LI नंबर 1, इसको ऐसे ही ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा था, ये ना फॉर्मेट होने के बाद ज़रा पता नहीं वाहियात ही दिख रहा है कुछ, है ना, इसी तरह ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, असल में मेरी आदत है फॉर्मेट करने की बार बार। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक नैव आ गया इसमें, ठीक है, ये नैव भी एक्चुअली क्या होगा, थोड़ा सा आगे होगा क्योंकि ये डिव मेरा मेन तो पेरेंट ये डिव है ना, उसके अंदर ये नैव है, ठीक है। अच्छा, ये नैव हम क्यों लगाते हैं, ये ज़रा हम SEO के लिए लगाते हैं कि जी जब भी कोई क्रॉलर आए ना मेरी वेबसाइट के ऊपर तो वो उसको नैव देख के समझ आ जाए कि नैव बार है ये। फिर उसके अंदर UL क्यों लगाते हैं कि जी नैव बार एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट के तमाम आइटम को देखे तो ये तमाम पेज मतलब कंप्लीट होगा, तो इसलिए हम उसको लगा रहे होते हैं, वरना हम डायरेक्ट डिव भी लगा दें या डायरेक्ट ये LI ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिंक डायरेक्ट लगा दें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हम ये ज़रा सिमेंटिक वैल्यूज़ के लिए लगाते हैं। अच्छा, तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक करना है तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, लिंक के ज़रिए लेके जाएगा। देखो नोट करो, यहाँ पे मैं एंकर टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मुझे किसने दिया है, रिएक्ट राउटर डॉम ने ही दिया है ख़ुद, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्लैश गैलरी पर जा रहा हूँ, गैलरी पर क्लिक करने पर, फिर स्लैश अबाउट पर जा रहा हूँ, अबाउट पर क्लिक करने पर। अच्छा, अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। अगर तो ये मैंने कोड जो लिखा है ये अगर सही कोड है तो
तो ये बिल्कुल सही चल जाना चाहिए। होम तो बना हुआ है मेरे पास, और अबाउट मैंने यहाँ पे डिव करके लिख दिया है, तो अबाउट इस तरह चल जाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट है। ठीक है, इसने तो सीधा ही चलने से मना कर दिया, इसने कहा गैलरी इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा सही कह रहा है, गैलरी नहीं है ना, गैलरी नहीं है तो गैलरी को रोक देते हैं। और क्या नहीं है? हाँ बस सिर्फ गैलरी ही नहीं है। अच्छा जी, तो अब मेरे पास क्या सीन है, ये बाई डिफ़ॉल्ट होम का खुला हुआ है यहाँ पे पेज। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट होम का इसलिए खुला हुआ है क्योंकि मेरे पाथ में स्लैश है। जब खुलता है तो पाथ में क्या होता है, मेरे स्लैश होता है, इसलिए बाई डिफ़ॉल्ट होम खुला हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं अबाउट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या हो जाना चाहिए, ये जो चार राउट हैं इसमें से ये होम वाला गायब हो जाएगा और अबाउट वाला शो हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अबाउट वाला शो हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, एक बेसिक सा राउटर एक तैयार हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, गैलरी का पेज था ना यहाँ पे, गैलरी के पेज तो नहीं, मैं एक पेज बनाता हूँ इस पर, मैसेज का पेज बना देता हूँ, चैट का बना देता हूँ पेज। ठीक है, क्योंकि हमने चैट तो बनानी है अल्टीमेटली इसमें, तो मैं एक चैट का पेज इसमें बना देता हूँ। होम हो गया मेरे पास। अब ये पोस्ट क्या था, ये सब कंपोनेंट था ना, इसमें भी एक सीन है। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स का फोल्डर अलग बनाते हैं और पेजेस का फोल्डर अलग बनाते हैं। ये आजकल एक मैं प्रैक्टिस देख रहा हूँ, जो नेक्स्ट जेएस की भी प्रैक्टिस है वो इसी तरह से है। अब जैसे देखो, मेरे पास कंपोनेंट्स के अंदर ना एक तो होम है। अब होम जो है वो है तो एक कंपोनेंट, लेकिन एज अ पेज उसको ट्रीट किया जा रहा है कि जी वो पूरा पेज आता है और पूरा पेज जाता है वो। अच्छा, पोस्ट जो है ऑन अदर हैंड, पोस्ट क्या चीज़ है इसके अंदर, पोस्ट इसके अंदर जो ये इतना पार्ट है ना, एक पार्ट इतना, ये एक पोस्ट है, ये दूसरी पोस्ट है ना, ये दो कंपोनेंट हो गए है ना, तो एक ही कंपोनेंट रीयूजबिलिटी उसके अंदर डाली हुई है मैंने, और ऐसे हो रहा है। तो आमतौर पर जो इस तरह के छोटे कंपोनेंट है ना, उसको कंपोनेंट के फोल्डर में डालते हैं, जबकि होम और अबाउट और गैलरी जैसे जो बड़े कंपोनेंट है जो बतौर पेज ट्रीट किए जा रहे हैं, उसके लिए पेज के नाम का फोल्डर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी इसी तरह कर लेते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, बल्कि एक पेज के नाम का फोल्डर बनाते हैं ना पहले, तो पेजेस। ठीक है, और पेजेस करके मैं ये होम को उठा के इस पेजेस पर डाल देता हूँ, और कंपोनेंट के अंदर पोस्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, पेजेस में मुझे अब एक तो होम आ गया, अब एक और क्या चाहिए मुझे, पेजेस के अंदर मुझे चाहिए एक और, अब अबाउट, सही है, अबाउट का पेज चाहिए। अच्छा, अबाउट के पेज में मैंने क्या क्या करना है, मैंने यही दोनों फाइलें बनानी है ऑब्वियसली, क्या बनानी है मुझे, अबाउट डॉट जे एस एक्स। ठीक है, ये एक फाइल आ गई मेरी अबाउट डॉट जे एस एक्स, और इसके अंदर और क्या बनाना है मैंने, अबाउट डॉट सी एस एस, ये मेरा अबाउट का कंपोनेंट बन के तैयार हो गया, जिसमें अभी कुछ है नहीं ऑब्वियसली, बना देता हूँ मैं कुछ इसके अंदर। अच्छा, क्या बना दूँ मैं इसके अंदर जी, कॉन्स्ट अबाउट इक्वल्स दिस। ठीक है जी, ये अबाउट हो गया, और इसके अंदर वो अबाउट वाला सी एस एस भी मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अबाउट वाली सी एस एस भी मैंने इसमें क्या कर ली, इम्पोर्ट कर ली। अब इसी तरीके से मेरे पास ये होम और अबाउट हो गया। अब एक मैंने बनाना है चैट इसी तरीके से, तो मैं इसी अबाउट को कॉपी पेस्ट मारता हूँ और इसको बोलता हूँ मैं कि भाई आप क्या हो जाओ, चैट का पेज हो गया। ठीक है, मैंने कहा भाई चैट होते हैं, और यहाँ पे आके मैं क्या बोलता हूँ कि चैट हो तुम और चैट हो तुम, सही है, चैट का एक पेज मैंने बना दिया। अच्छा, तो अब टोटल मेरे पास कितने पेजेस हो चुके हैं, मेरे पास तीन पेजेस हो चुके हैं, जबकि एक छोटा कंपोनेंट भी है जो कि कंपोनेंट के फोल्डर में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी ऐप डॉट जे एस एक्स में, जाहिर है मैंने जिस तरह से इसको कंपोनेंट को रिक्वायर किया हुआ था वो अब उस तरह नहीं होगा, अब ये क्या होगा, पेजेस स्लैश करके होगा ना। ठीक है, ऐसे पेजेस स्लैश करके होगा ये। अच्छा, तो पेजेस स्लैश से होम को निकाल लिया मैंने, और क्या निकाल लेता हूँ मैं, अबाउट को निकाल लेता हूँ। ठीक है, अबाउट को निकाल लिया मैंने, और गैलरी तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास क्या है, ये चैट है। क्या कर दिया मैंने, ये अच्छा आई स्मॉल किया, सही है, ये तीनों पेज मैंने क्या कर लिया,
यार एक्सपोर्ट किया हुआ है मैंने, अच्छा नहीं किया हुआ। हाँ ये काम मैंने करना था एक्चुअली, यस जब ही वो एरर दे रहा था। सही है, तीनों को, होम को तो एक्सपोर्ट किया हुआ होगा, देख लेता हूँ इसको भी एक दफ़ा। हाँ होम को एक्सपोर्ट किया हुआ है मैंने। अच्छा मैं वापस आता हूँ app.jsx में, तो अब इसको एरर नहीं देना चाहिए लेकिन अभी भी दे रहा है, ये क्या बकवास है। अच्छा वो कह रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद है लेकिन इसको आप रीड नहीं कर रहे, तो अभी कर लेते हैं रीड, दो मिनट दें हमें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ही करना था, क्या करना था। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ही तो करना था हमें, इसको भी तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ही किया हुआ है ये रहा ना। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी नाम से इम्पोर्ट कर सकता हूँ मैं उसको। नहीं सही, इसको मिल तो रहा है, ये देखो ना मिल रहा है इसको। अबाउट कह रहा है कि रिएक्ट का एक एलिमेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि डिक्लेयर्ड है बट इसको यूज़ नहीं किया हुआ आपने, तो ये इसलिए एरर दे रहा है। ये पता नहीं मैंने कोई वो कर लिया एक्सटेंशन, वो असल में मुझे भी याद आ गया, मैं नेक्स्ट जीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ ना मैं आजकल, तो वो उसने एक AS7 का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया है, तो वो ये मस्ती कर रहा है ना। यहाँ पर वो लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्या है ये, व्यू प्रॉब्लम में जाऊँगा ना मैं। अच्छा, वेल चलो अभी हम इसको लगाएंगे तो पता लग जाएगा। अबाउट अब ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल नेम, ये क्या सीन है, ये क्या एरर है भाई नया। This file is in the program because imported via page about page. नहीं यार कंपोनेंट के अंदर नहीं है, इसी लेवल पे है स्लैश पेजेस डायरेक्ट। चलो इन तीनों को पहले लगा दें, एरर को तसल्ली से देख लेंगे क्या सीन है। सही है, मैंने कहा कि भैया जब चैट लिखा हुआ तो आप बोलो चैट है, सही है। और इस वाले को मैंने गैलरी को हटा दिया, तो ये मेरे चार पेजेस, तो ये तीन पेजेस तो मेरे कंप्लीट हो गए। ठीक है अब ये तीन पेजेस के अंदर अभी ये क्या हो गया, ओ हो मैंने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है ना। नहीं यार गड़बड़ क्या की हुई है, पेजेस स्लैश अबाउट सही तो लिखा हुआ है। ओके अबाउट का यहाँ पर ए कैपिटल है, ए कैपिटल नहीं है, हाँ ए कैपिटल है, उसका भी सी कैपिटल है, इसका ये स्मॉल रखना होगा ना मुझे। सही है अब मसला सही है। पेजेस स्लैश अबाउट डॉट ए बी ओ यू टी पता नहीं क्या सीन है। अच्छा होम डॉट जे एस एक्स के अंदर भी एक एलिमेंट मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है, होम डॉट जे एस एक्स के अंदर मैंने वो मैसेज को इम्पोर्ट किया हुआ है ना, वो पोस्ट को इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा पोस्ट को मैंने इंपोर्ट तो किया हुआ है लेकिन यहाँ लगाया हुआ नहीं है। पोस्ट को मैंने इंपोर्ट, इसका मतलब है पोस्ट में उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा पोस्ट वैसे ही है, अच्छा पोस्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। अब पता नहीं इसको क्या मसला है। पहला मैं इसको यहाँ पे देखते हैं ना, इधर तो अच्छा इधर तो कोई एरर नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही बिला वजह दे रहा है। अच्छा होम पे क्लिक करता हूँ मैं, और गैलरी अभी तक क्यों आ रहा है यहाँ पे गैलरी। अच्छा नहीं यार गैलरी तो हटा दिया मैंने। अच्छा नेविगेशन बार में गैलरी लगा हुआ है, राइट। अब मेरा इसकी जगह पे चैट है एक्चुअली, ठीक है होम है, चैट है, अबाउट है और प्रोफाइल नहीं है मेरे पास, बस ये तीन ही है अभी फिलहाल। होम है, चैट है, अबाउट है, ये तीन मेरे पास पेजेस आ गए टोटल। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, दो पेजेस और चाहिए, और वो पेजेस कौन से हैं, मुझे दो पेजेस इसमें और चाहिए ना, वो पेजेस कौन से हैं दो।
मुझे दो पेजेस जो है ना लॉगिन और साइन अप के चाहिए। ठीक है, लॉगिन के अंदर गया मैं और मैंने कहा कि जी लॉगिन डॉट सी एस एस, लॉगिन डॉट जे एस एक्स, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, इसको लॉगिन कर दिया। ठीक है, ये लॉगिन का पेज मेरा तैयार हो गया। अब इसके अंदर करते हैं कुछ, अभी किया नहीं है मैंने, कुछ ना कुछ करते हैं इस लॉगिन के पेज में। अच्छा, उसके बाद मैं साइनअप के पेज में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ जी साइनअप हो आप, साइनअप डॉट जे एस एक्स हो आप, सही है। यहाँ पे मैंने बोला भाई साइनअप हो आप और ठीक है जी, ये मेरे पास साइनअप का पेज बन गया। ठीक हो गया जी, परफेक्ट है। अरे यार किस बात का एरर है इसको। ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल नेम, पता नहीं किधर इंक्लूड किया हुआ है इसको मैंने, बड़े 7 जगहों पे ये लिखा हुआ है अबाउट। सही है, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। अब सही हो गया, रिफ्रेश किया तो सही हो गया, चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे लॉगिन और साइनअप भी चाहिए एक्चुअली। सही है, मैंने कहा भाई स्लैश लॉगिन हो और स्लैश साइनअप हो, तो आपने क्या दिखाना है, लॉगिन का पेज दिखाना है और आपने साइनअप का पेज दिखाना है। ठीक है, और लॉगिन और साइनअप वाले पेज को यहाँ पे मैं इम्पोर्ट भी करवा लेता हूँ। ठीक है जी, लॉगिन और साइनअप के पेज को मैंने यहाँ पे क्या करवा लिया, इम्पोर्ट भी करवा लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये क्या सीन है, हैं नहीं मैंने बनाया ये, वो नहीं हो रहा। साइनअप का यहाँ तो ऐसे स्मॉल है लेकिन इधर मैंने कैपिटल किया ना। नहीं, इधर सही है बिल्कुल, एस आई जी एन यू पी, सही तो है यार साइन अप, एस आई जी एन सही है सब जगह, तो वैसे ही दे रहा है। लेकिन ये इधर रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा उसको, ओ यस हाँ, एफ बार में भी तो लगाना पड़ेगा। लॉगिन गायब दिमाग प्रोफेसर होता है ना, वो होता जा रहा हूँ। अच्छा, लॉगिन और ये साइन अप और अबाउट और चैट और होम। अच्छा, अब लेकिन करना कुछ ऐसा है मैंने कि ये लॉगिन और साइन अप हमेशा तो शो नहीं हो, लॉगिन और साइन अप कब शो होना चाहिए। और वंस बंदा जब लॉगिन हो जाए तो फिर क्या शो होना चाहिए, बाकी के 3 शो होने चाहिए, है ना। उसको ऐसे बनाते हैं अभी, अच्छा कैसे बनाएंगे यार इसको ऐसे। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के पेज को पॉपुलेट करना पड़ेगा। लॉगिन के पेज पे मैं क्या करूँगा जाकर, लॉगिन के पेज पे मुझे सबसे पहले लॉगिन का पूरा फॉर्म बनाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ यार, लॉगिन का पूरा फॉर्म मैं हाथ से बनाऊँ, उससे बेहतर मैं ये जो ऐप बनी हुई है ना इसमें से मैं कॉपी मारता हूँ इस पूरे पेज को, है ना। कंपोनेंट आपको पता है रीयूजेबल आइटम्स होते हैं, तो ये मैं लॉगिन डॉट जे एस एक्स में गया। अबे ले भाई, इसमें भी वही है,
नहीं, असल में ये एक चीज़ मैंने उसके बाद वाले स्टेप में पढ़ाई होगी ना, है ना, ये चीज़ मैंने उसके बाद वाले स्टेप में पढ़ाई होगी। तो 14 के बाद ये 15 में होगा। अच्छा, ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन इसमें लगी हुई है। वेल चलो छोड़ो, कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इसको क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि इसमें इनफ कोडिंग हो गई है एक्चुअली ना। इसमें क्या हो गई है, इनफ कोडिंग हो गई है। 46 नई फाइलें मैं बना चुका हूँ इसके अंदर, है ना। 46 नई 46 फाइलों में एक्चुअली चेंजेस आ गई हैं इसमें। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो है वो यहीं पे रोक देता हूँ इस फाइल को ना। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया इस फाइल को। तो ये रिएक्ट राउटर यहाँ पे पता लग गया हमें। अब अगला एक इसकी कॉपी बना लेते हैं, उसका हम नाम रख देंगे भला के लॉग इन साइन अप एपीआई इंटीग्रेशन रिएक्ट, ऐसे रख देंगे। सही है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन एपीआई इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन नहीं, उसका असल में रिएक्ट राउटर से ताल्लुक नहीं होगा कोई, वो तो ऑथ गार्ड अब फिर तीसरा बनेगा वो एक। पहले तो उस पर लॉग इन साइनअप का पेज मैं तैयार करूँ ना, कि एपीआई हिट करूँ, लॉग इन हो जाए, टोकन आके सेव हो जाए, है ना, ये काम हो जाए पहले। तो इसका नाम मुझे रखना चाहिए कि लॉग इन साइनअप एपीआई इंटीग्रेशन रिएक्ट, ये नाम रखता हूँ इसका मैं। सही है, कॉपी हो रहा है, ज़रा ये हो जाए, रिकॉर्डिंग भी दूसरी चलाते हैं।